अश्विनी दुबे हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फुलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, लगाई जाती है तो उसके बाद में कम से कम अभी 14 दिन फांसी नहीं हो सकती? और देखिए, मर्सी पिटीशन लगाने के बाद ये बात तो सही है कि क्रिमिनल लॉ के मुताबिक जब मर्सी पिटीशन डिसमिस हो रहा है या आखिरी पिटीशन डिसमिस हो रहा है, उसके बाद 14 दिन का टाइम फाइनल डिपार्चर के लिए किसी को भी मिलता है। अब यहाँ समझना यह होगा कि अगर हम एक महीने पहले का जो दिल्ली हाईकोर्ट ऑर्डर है उसको समझते हैं, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आप एक सप्ताह के अंदर जितनी भी लीगल रेमेडीज, उन लीगल रेमेडीज को अवेल कर दीजिए और उसके बाद लीगल रेमेडीज के बाद फिर आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो वहां से अगर हम सीखे तो कल फांसी हो सकती है, लेकिन अगर हम कानून के हिसाब से चलते हैं तो मर्सी पिटीशन डिसमिस होने के 14 दिन के बाद फाइनल डिपार्चर के बाद होती है। जी, अभी तक किसी कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, किसी कोर्ट का कोई उसको पोस्टपोन नहीं किया है फांसी को। अब समझना यह होगा कल एक्चुअल में वो ऑर्डर हाईकोर्ट का प्रिवेल करेगा, उन्होंने 7 दिन के अंदर, क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर बाकी सारी चीजों को ओवरराइड करता है। जी, एक जुडिशियल ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर है जो एक्यूज पर्सन के फेवर अगेंस्ट है, जिसमें उनको एक सप्ताह का वक्त दिया गया था। जी, अगर वुड ऑर्डर की डेट से अगर हम रिकन करते हैं डेट, तो निश्चित कल फांसी होगी। अगर हम नहीं करते हैं या कोर्ट नहीं कंसीडर करता है उसको, मर्सी पिटीशन को बेस बनाता है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। देखना है, वेट करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल करेगा। जी, मगर जिस तरीके से संविधान के अंदर जो विकल्प है, एक तरफ एक कोर्ट का ऑर्डर है एक हफ्ते का, उसके भीतर सारे प्रोसीजर को पूरे कर लिया जाए, उसको माने वो माने रखा जाएगा, वो सामने होगा, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, या संविधान जिस बात की इजाजत देता है, मोहलत देता है, उसको अब आगे आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देख पा रहे हैं? ये समझना यहाँ पर यही है, क्योंकि अगर हम मर्सी पिटीशन के जुरिस्डिक्शन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन की बात करें, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ओवरराइड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्वैश कर सकते हैं, सेटिसाइड कर सकते हैं सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में रीजनेबल क्लासिफिकेशन के साथ, और तो अगर उस पर तथ्य हैं तो। ये यहाँ पर जो बिंदु है वो ये बिंदु है, परंतु अब यहाँ यह समझना है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर जो है, हाईकोर्ट का ऑर्डर सारी रेमेडीज को एग्जॉस्ट करने का, रेमेडी कैसे, ट्रायल कोर्ट का फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आता है, हाईकोर्ट चले जाते हैं, हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट पिटीशन एसएलपी डिस्कस होती है, रिव्यू में चले जाते हैं, और वन बाय वन रिव्यू, क्यूरेटिव, फिर मर्सी रिव्यू, फिर क्यूरेटिव, फिर मर्सी, फिर ट्रायल कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए आ जाते हैं, फिर एक ग्राउंड लेकर के आ जाते हैं मेडिकल का, फिर तमाम चीजें जो ले लेकर के आते हैं, तो वन टू दी अदर ऐसा लगे लीगल प्रोसेस। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी दुबे जी।